तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हैप्पीनेस की साइकोलॉजी के बारे में। इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल सके। हमें अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी तब मिलती है जब हम किसी और के फेस में स्माइल देखते हैं और हमें ये पता होता है कि ये स्माइल हमारी वजह से उनके फेस में आई है। हमें अपने पैसे अपने दोस्तों पे, अपने रिश्तेदारों पे और जिनसे हम प्यार करते हैं उन पे खर्च करने से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। एक स्टडी में ये पाया गया है कि हमें अपने पैसे को एक्सपीरियंस खरीदने के लिए खर्च करने से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है, ना कि किसी चीज़ को खरीदने से हमें खुशी मिलती है। रिसर्च में ये पाया गया है कि इंसान को सबसे ज़्यादा फ्रीडम यानी आज़ादी पसंद है। जो इंसान आज़ाद है वो सबसे ज़्यादा खुश होता है। हम जितने ज़्यादा खुश होते हैं हमारी बॉडी को सोने की ज़रूरत उतनी ही कम पड़ती है। डांस करने से, सिंगिंग करने से और एक्सरसाइज करने से हमारी हैप्पीनेस इंक्रीज होती है। स्टडी ये कहती है कि हमारी स्माइल हमको सबसे ज़्यादा अट्रैक्टिव बनाती है। स्माइल करना 69% ज़्यादा अट्रैक्टिव है मेकअप करने से। हैप्पी पीपल दिन में 40 से 50 बार स्माइल करते हैं, जबकि अनहैप्पी पीपल दिन में एवरेजली 20 बार ही स्माइल करते हैं। सिर्फ 10% हैप्पीनेस बाहरी दुनिया से आती है, बाकी के 90% हैप्पीनेस हमारे अंदर ही होती है, जो हमारे इनर थॉट्स और फीलिंग से आती है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। एजुकेटेड और इंटेलिजेंट पर्सन होने से हमें उतनी खुशी नहीं मिलती जितनी खुशी हमें अपने अंदर सेल्फ सेटिस्फैक्शन होने से मिलती है। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं एक अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में। एक एवरेज पर्सन अपनी ज़िंदगी में हर एक दिन 4 झूठ बोलता है। साल में 1460 और 60 साल की उम्र में आने तक वो 87,600 झूठ बोलता है। सबसे पहले माफ़ी मांगने वाला सबसे ब्रेव होता है, सबसे पहले माफ़ कर देने वाला सबसे स्ट्रांग होता है और सबसे पहले भूल जाने वाला सबसे ज़्यादा खुश रहता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च हुई थी जिसमें करोड़ों लोगों की ज़िंदगी को उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक ट्रैक किया गया था। उस रिसर्च का रिजल्ट ये आया कि हैप्पीनेस के लिए मनी फेम इतनी इम्पॉर्टेंट नहीं है। वो लोग जिनकी रिलेशनशिप अच्छी थी वो खुश थे और वो लोग जिनकी रिलेशनशिप अच्छी नहीं थी वो अपने ज़िंदगी में खुश नहीं थे। हमारा हाइपोथैलेमस स्ट्रॉन्ग सैडनेस और स्ट्रॉन्ग हैप्पीनेस में अंतर नहीं कर पाता है और यही वजह है कि जब हम ज़्यादा खुश रहते हैं तो हमारी आंखों से आंसू निकल जाता है और हम कहते हैं कि हमें खुशी के आंसू आते हैं। स्टडी ये कहती है कि ऑरेंजेस और बनाना खाने से हमें ज़्यादा खुशी मिलती है। ऑरेंजेस विटामिन B6 के प्रोडक्शन को प्रमोट करते हैं। विटामिन B6 को हम मूड विटामिन भी कहते हैं। नेशनल वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2018 के हिसाब से इस दुनिया में सबसे ज़्यादा हैप्पी कंट्री न्यूजीलैंड है। द बेस्ट एंड द वर्स्ट लाइन इन लाइफ, नथिंग लास्ट फॉरएवर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।